Assalamu alaikum. Dear students, it's 6th of May and myself Nasir Ahmed in front of you. Today we are having basic English grammar with us and aaj jo hai hum basic English grammar mein jo English grammar ke jo bunyadi topics hain unhe padhenge. और इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है हेयर इट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का पहला हिस्सा जो है पार्ट ऑफ स्पीच. इससे पहले भी है जो लेटर्स वगैरह होते हैं वो आप जान चुके हैं ऑलरेडी, मैं फिर भी रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करूँगा. लेटर्स जैसा कि जिन्हें हम हरूफ तहजी कहते हैं वो इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और उनके लिखने के एतबार से वो दो किस्म के होते हैं, एक कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, यानी कि बड़े हरूफ और छोटे हरूफ. वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ. तो आज हम आगे बढ़ते हुए पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये हमारा टॉपिक होगा आज का. तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है. बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ग्रामर, ए पार्ट ऑफ स्पीच इज़ ए लिंग्विस्टिक कैटेगरी ऑफ वर्ड्स. इन इंग्लिश देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर जो है इसके अंदर जो पार्ट ऑफ स्पीच है, आपको पहले पता होना चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है. ये एक वर्ड की यानी कि कैटेगरी होती है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है, अलग अलग दर्जा बंदी की जाती है उनकी. और इंग्लिश लैंग्वेज में ये दर्जे 8 किस्म के हैं, यानी कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. इन द इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स कैन बी कंसिडर्ड as the smallest elements that have distinctive meanings based on their use and functions. Words are categorized into several types or parts of speech. This article will offer definitions and examples for the 8 major parts of speech in English grammar. यानी कि English language के अंदर मैंने जैसा कि आपको पहले ही कहा कि word जो होता है ये कंसीडर किया जाता है, इसको माना जाता है एक बिल्कुल सबसे बुनियादी और सबसे छोटा आंसर माना जाता है ये इंग्लिश जो है ज़बान में. और इसी की बुनियाद पे बड़े बड़े मजामीन या बड़ी बड़ी किताबें आगे बनती हैं या लिखी जाती हैं बेस्ड ऑन देयर यूज़. वो किसके ऊपर, वो निर्भर होता है उसके इस्तेमाल के ऊपर. इन वर्ड्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उसके क्या क्या काम होते हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं. और इन्हीं इसके काम और इसके इस्तेमाल को जो है बुनियाद रख के इन्हीं वर्ड्स को जो है आगे कैटेगराइज किया जाता है मुख्तलिफ किस्मों में और मुख्तलिफ हिस्सों में जो है उनको ढाला जाता है, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. यहाँ पे जो हमारे पास आर्टिकल है, दिस आर्टिकल विल ऑफर डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल्स फॉर द 8 मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर. जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स हैं इंग्लिश इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश ग्रामर में. तो यहाँ पे आज हम एक लिस्ट हमारे पास है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की लिस्ट है, हम देखते हैं उसमें क्या क्या जरा बताया गया है. यहाँ पे लिस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर इंक्लूड द फॉलोइंग, उसमें ये नीचे मंदरजा ज़ेल जो दी गई है ये लिस्ट है पार्ट ऑफ स्पीच की जो हम इंग्लिश ग्रामर में मिलते हैं. इसमें सर फहरिस्त नंबर 1 जो है दैट इज़ द नाउन. हम सब जानते हैं नाउन किसे कहते हैं, जिसे हम इसम कहते हैं उर्दू में. नाउन यानी कि इसम, यानी कि इसम वो कलमा है जो किसी चीज़, जगह, शख्स या किसी भी नाम को जाहिर करे, उसे इसम कहते हैं. इस तरह इंग्लिश में उसे नाउन कहते हैं, यानी कि ए नाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड टू रेफर टू पीपल, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स, सब्सटेंसेस, स्टेट्स, इवेंट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स, है ना. ए नाउन फंक्शंस एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव. यानी कि कुल मिला के आपको मैं ये बताऊँ कि कोई भी नेमिंग वर्ड इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो कोई चीज़ है, चाहे वो कोई स्टेट है, चाहे वो कोई त्यौहार है, चाहे वो कोई ख्याल है, चाहे वो कोई फीलिंग है हमारी, उन सब को हम नाउन कहते हैं क्योंकि हम उन्हें किसी पर्टिकुलर नाम से पुकारते हैं.
और ये नाउन जो है, ये नाम जो है, इसको फर्दर मॉडिफाई किया जा सकता है उसकी सिफत के हिसाब से, उसकी यानी कि जिस तरीके से हम उसे इस्तेमाल में लाते हैं, यानी कि वो कहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल में आता है और उसकी सिफत क्या होती है, वो उसकी कारकर्दगी क्या होती है, उस तरीके से जो है उसको मॉडिफाई किया जाता है उसकी एक एडजेक्टिव के तौर पे। एग्जांपल्स, अब आपको मैं नाउन की मिसाल भी दूंगा बच्चों। जॉन, जैसे जॉन यानी कि हम कह सकते हैं, हम यहाँ पर जॉन दिया हुआ है, हम कह सकते हैं अकबर, है ना, या कह सकते हैं खुर्शीद, है ना। तो इस तरह लॉयन, एनिमल में से, एनिमल मींस लॉयन, जानवर है एक, है ना। टेबल, ये एक चीज़ है। फ्रीडम, ये एक हमारा जो है एक क्या कहेंगे इसे, है ना, जिसे आज़ादी हम कहते हैं, ये भी एक हमारा वो वर्चू है। लव, है ना, एक फीलिंग है। लव क्या होता है, एक फीलिंग है, यानी कि ये सब चीज़ें जो हैं ये नाम से जो है जानी जाती हैं, इनके पर्टिकुलर नाम होते हैं और इन्हीं नामों को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा इस्तेमाल करके भी देखते हैं। I live in United States of America, है ना, या I live in Jammu and Kashmir, है ना, यानी कि मैं रहता हूँ जम्मू कश्मीर में, है ना। उसके बाद Iman is my sister, है ना, या Ima is my sister, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं Nusrat is my sister, है ना, या Dilshad is my sister। Dilshad यहाँ पे noun है ना। इस तरह ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने कहा आई लाइव इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि मैं रहता हूँ जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर जो है ये स्टेट का नाम है, तो ये नाउन है। आई लव टू प्ले विद माई कैट, यहाँ इस सेंटेंस में दो नाउन है। आई लव, मैं लव, यानी कि ये लव जो है यहाँ पे ये एक मतलब ये इस तरह का नाउन है यहाँ पे, जो जिसे हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। टू प्ले क्या करना पसंद करता है, टू प्ले यानी कि खेलना विद माई कैट, किसके साथ, अपनी बिल्ली के साथ, मैं अपनी बिल्ली के साथ खेलना जो है पसंद करता हूँ। तो ये इस तरीके से हमने कैट यहाँ पे जो है वो नाउन आया। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि नाउन किससे कहते हैं। तो आज का मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रोनाउन, और कल हम उसी सिलसिले में आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।